गाइस मैं लेके आई हूँ बैंगन और गार्लिक और आज मैं बनाऊंगी बैंगन का भरता. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड बाय द वे टुडे इज लेट मी सी टुडे इज 18 दिसंबर और मैं खाना बनाने वाली हूँ आज पहली बार बैंगन का भरता. लेट्स सी हाउ इट गोज. अब ऑयल गरम हो रहा है पैन में और ये यहाँ पे बैंगन जो छीले हैं वो गरम हो रहे हैं, मतलब बॉईल हो रहा है. गाइस इसको तब तक फ्राई करना है जब तक ये ब्राउन नहीं हो. गाइस अभी थोड़ा थोड़ा हो गया, मुझे लगता है 2 मिनट हो गए. अब हम इसमें डालेंगे गार्लिक या गार्लिक जो आ चुका है. अब इसको फिर से थोड़ा सा सॉटे करेंगे. गाइस नेक्स्ट है हरी मिर्च, तो अब हम हरी मिर्च डालेंगे. हरी मिर्च जा चुकी है, नाउ वी विल सॉटे. क्या है हल्दी पाउडर. गाइस नेक्स्ट इज दिस मिर्च, घर की लाल मिर्च. के बाद है ये क्या है, ये है वो गरम मसाला. टमाटर को पका रहे हैं हम 2 मीडियम फ्लेम पे. और मीनवाइल ये बैंगन भी बन चुके हैं, बिल्कुल गल चुके हैं. गाइस ये बन चुका है, अब टमाटर गल चुके हैं और नमक भी डल गया है स्वाद अनुसार. अब जा रहे हैं बैंगन. कितना गंदा लग रहा है देखने में. गाइस अब इसको मीडियम फ्लेम पे हम भून रहे हैं. पूरा सब कुछ मिक्स हो गया है, उसके बाद एंड में भी बिल्कुल धनिया. गाइस अब मेरी मम्मा इसके साथ चपाती बनाने लगी है. मम्मा से चीज. हैप्पी टेस्टी गाइस. बनकर रेडी हो चुका है हमारा बैंगन का भरता. वाओ, गिव इट अ थम्स अप. गाइस आई एम हैविंग माय बैंगन का भरता और रोटी. क्या मस्त. ओ माय गॉड, मैं इतनी अच्छी कुक हूँ. बहुत टेस्टी बना गाइस, डू ट्राई. गाइस अभी हम बनाने जा रहे हैं पकौड़े. गाइस हमने बनाई है ये पिन्निया. इसको निगलेक्ट कर दिया पर अब हम पकोड़े बनाएंगे. वाओ गाइस ये मैं इंस्पायर हुई थी, बेसिकली मेरी मम्मा इंस्पायर हुई कि हम थोड़ी सी पिन्निया बनाएं जो बेचारा थोड़ा बहुत पुराना बचा हुआ माल मसाला था. क्या था और हमने इसमें क्या डाला. हमने इसमें डाला है अलसी, कॉर्नफ्लावर और गरी, नारियल, घी और ड्राई फ्रूट्स सारे. बस उसको मिक्स करके फिर गुड़ के साथ बस हो गया. चलो जाओ बनाओ अब खुद.